सो रात को 2:30 बजे मुझे मेरे भाई का कॉल आया और कह रहा था कि हम होली सेलिब्रेट करने मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। तो जब हम लॉन्ग जर्नी पे इतने सारे लोग साथ में होते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाते हैं, तो वो हम हो चुके थे। सो हम थे 5 बाइक्स पे 9 जने और यहाँ पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी गाड़ियां हैं। अब हम जा रहे हैं नंदगांव। नंदगांव बेसिकली वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण का बर्थ होते ही उन्हें यहाँ पर लाया गया था। सो जो नंद महाराज हैं, बेसिकली श्री वासुदेव जी के कजन ब्रदर थे। उन्होंने अपने बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को ओवर द नाइट लाकर इनको हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि वासुदेव जी को ये चीज पता थी कि अगर ये कंस के पास रहा ज्यादा दिन तो कंस इसको मार देगा। तो ये नंद भवन के आउटर व्यू है और ये नंद भवन का इनर व्यू है। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुदृढ़ एनवायरमेंट था। एक्चुअली ये टाइम था होली का, तो हर जगह रंग गुलाल उड़ते हुए आपको दिख ही जाएंगे। और यहाँ पर जनरली इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट इस दौरान ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये समय अब नंदगांव से आपको वास्तविक यात्रा पे लेके चलते हैं बरसाने की। सो बरसाने के बारे में आपको एक फन फैक्ट बताऊंगा। उससे पहले हमें रास्ते में ये बहुत अच्छा सा मंदिर दिखा था और इसके अंदर हम तो नहीं जा पाए क्योंकि अंदर मरम्मत का काम चल रहा था। सो बाहर से ही हम लोग को बाहर आना पड़ा। ये मंदिर जल्दी खुलने वाला है। सो मुझे लगता है आपने वो गाना तो सुना ही होगा, वो बरसाने की छोरी न कर मुसे पर चोरी। सो बरसाने की छोरी जो बेसिकली है वो है हमारी श्री राधे, जिन्हें हम लाडली जी भी कहते हैं। और अब हम जा रहे हैं लाडली जी के मंदिर और ये आप देख सकते हैं आसपास का रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारी गिफ्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं तो आप यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये है मेन मंदिर, आपने बहुत ज्यादा रील्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब परसाने की यात्रा हुई संपन्न। अंदर हम फोन नहीं निकाल पाए क्योंकि अंदर पानी भी डाल रहे थे लोग, एक दूसरे पे रंग गुलाल डाल रहे थे। अब हम चलते हैं वृंदावन की ओर। तो वृंदावन में बेसिकली हमें जाना दो जगह था। एक तो जाना था हमें बांके बिहारी मंदिर। सो बांके बिहारी मंदिर भी हम बाहर से कवर कर पाए हैं। हम अंदर दर्शन के लिए गए थे बट अंदर वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी होली करके कि हम लोग अंदर फोन निकालने का भी ऑप्शन नहीं मिला। विदिन 30 सेकेंड हमें वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, इतनी ज्यादा भीड़ थी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं यमुना जी पे। सो यमुना जी पे व्यूज आप 360 डिग्री का देख सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ कोई बहुत ही ज्यादा अकल से ज्यादा ही समझदार व्यक्ति हमारे साथ था, तो हमने से मना भी किया था कि मत कर, पर फिर भी बेवकूफ सा पता नहीं क्या ही करे जा रहा था। खैर, आई विल लीव दिस थिंग टू यू, आप इसको बोल सकते हो जो बोलना है, कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो इसकी समझदारी के क्या झंडे हैं। और छोड़ते हैं इसको, मूव ऑन टू आवर ब्रदर्स। देख सकते हो हमारे सारे भाई यहाँ लगे हुए हैं पानी में, मस्त नहा रहे हैं। यहाँ पर पीछे बोटिंग चल रही है और कुछ फोटोज खिंचा रहे हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा मुझे जो अजीब लगा यहाँ पर वो ये था कि यहाँ पर थोड़ा सा ना साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, तो हमें एक वो फैक्टर है जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए। और ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हम ही करेंगे, तो हमें अपनी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। अब ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट का व्यू था। सनसेट होने से पहले हमें जाना था निधिवन, तो हम यहाँ से दौड़ते हुए निकले निधिवन के लिए। अब निधिवन हम बिल्कुल उस टाइम पे पहुंचे हैं जहां पर संध्या आरती चल रही थी और संध्या आरती के जस्ट बाद हो जाता है निधिवन बंद। सो आप देख सकते हो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, एकदम एंड मोमेंट पे जाके हमारा काम बना है। सो अब हम आ चुके हैं निधिवन। निधिवन के अंदर बहुत सारे बंदर थे, सो इस वजह से मैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाया था, बट हाँ बचते बचाते जो थोड़ा बहुत भी शूट करा है वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसके बाद हम जाएंगे सीधा और सीधा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए शॉपिंग करने। बहुत ज़्यादा आज घूम लिए थे सुबह दिल्ली से यहाँ, तो एवरीवन वाज अवेयर कि हाँ हम जा रहे हैं, तो सबके लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट लाना तो बनता है। इसके बाद हमें जाना था प्रेम मंदिर, बट होली और भीड़ की वजह से इतना ज़्यादा रश हो गया था कि प्रेम मंदिर को समय से पहले ही बंद करना पड़ा, जिस वजह से आज दर्शन नहीं हो। अब हमारी एक दिन की मथुरा वृंदावन की यात्रा का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम तो चले लौट के बुद्धू घर को।